हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर हो जी? तो फर्स्टली यू शुड नो अबाउट दिस स्यूडो। स्यूडो का मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन से दैट स्यूडो मींस फेक। क्लियर? नेक्स्ट, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब फेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे आप क्लियरली समझ ही गए होंगे। फेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने लग गया कि जो जनरली फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन एक्चुअली नहीं होती बट बिहेव ऐसे करती है कि वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर? तो देखिए, तो इनको बनाया कैसे जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को? अगर हम रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दे तो वो कैसे बिहेव करेगी? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए क्या होती है जनरली, द रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वो रिएक्शन जो कि ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती बट एक्चुअली दे बिहेव फर्स्ट ऑर्डर, बट बिहेव कैसे करती है वो कि फर्स्ट ऑर्डर की है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट, दैट इज इथाइल एसिटेट, दिस वन इज वॉटर। व्हेन दे विल कंबाइन देन दे विल फॉर्म एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। क्लियर बेटा? तो आप देखिए एक्सपेरिमेंटली जो इस रिएक्शन का ऑर्डर आया वो कितना आया? 2 आया। क्यों आया? क्योंकि वो क्या कह रहा है कि जब हम इसका ऑर्डर निकालते हैं तो वहां से देखा गया है यहाँ पे इस रिएक्शन में जो ऑर्डर है वो दो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक इथाइल एसिटेट और दूसरा वाटर। तो इसका ऑर्डर एक्चुअली कितना है? 2। ठीक है, लेकिन बट हम इसको जबरदस्ती किसका बनाते हैं? फर्स्ट ऑर्डर का बनाते हैं। ठीक है, तभी तो इसको हम क्या नाम बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो क्यों बनाते हैं? यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या बात करी थी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे बनाया जाता है? किसी एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके। तो जो वॉटर होता है दैट एक्ट एज एन सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन एंड इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। क्लियर बेटा? आपको पता ही है वैसे भी जो सॉल्वेंट होता है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जो चीज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या ले लेते हैं? कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। क्लियर बच्चे? जैसे मैं आपको अगर एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, जैसे एक समुद्र है, समुद्र में कितना पानी होता है? ठीक है, अगर उसमें से आप एक ग्लास पानी निकाल भी लो तो समुद्र में जो पानी है उसकी क्वांटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही चीज हम यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो वॉटर है यहाँ पर एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो अगर थोड़ा बहुत कंज्यूम भी हो गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको क्या कर लेते हैं? कॉन्स्टेंट रख लेते हैं। क्लियर बेटा? तो देखिए, अब जब मैंने इसको कॉन्स्टेंट कर दिया, अब मुझे यहां से रेट निकालना है, तो रेट क्या होगा? विच इज इक्वल टू द के एंड कंसेंट्रेशन ऑफ दिस CH3CO(C2H5) एंड दिस। तो ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो क्या बचा रेट? दैट इज के CH3COOC2H5, that is ethyl acetate, मतलब एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड होगी, तो ये क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन स्यूडो क्यों वर्ड यूज कर दिया आपने? क्यों? क्योंकि इसको हमने जबरदस्ती बनाया है क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? तो इसलिए इसका नाम क्या डल गया? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर बच्चे? अब आपको हो गया इसको जबरदस्ती बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये चैप्टर है ये आपका इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव होती है और एक्सपेंसिव पड़ती है, उसकी कॉस्ट बहुत हाई पड़ती है। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना देते हैं। अगर हमें आउटपुट वैसे ही आ गई इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज करने में जैसे हमें सेकेंड ऑर्डर में आएगी, बट हमने जब इसको फर्स्ट ऑर्डर का बनाया तो उससे क्या होगी? कॉस्ट मिनिमाइज होगी। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस कम होगी, तो हम इसलिए इसको क्या बना देते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना देते हैं और इसका नाम बन जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो होप्सो आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्लियर हो गया होगा कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।